तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल्ला खान एंड आई वेलकम टू माई व्लॉग। और आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं नथिया गली, और आज ईद डे टू है, और चलो जी नथिया गली की तरफ। तो अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा तो आपको पता होगा कि ईद के पहले दिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो हम सब घर वालों ने डिसाइड किया यार ईद के दूसरे दिन चलते हैं नथिया गली, क्योंकि एबटाबाद के बड़ी करीब है। तो फिर हम निकल पड़े नथिया गली के लिए। तो भाई जो रूट था ना नथिया गली और एबटाबाद के दरमियान का, बड़ा कोई सीनिक रूट था भाई। हम गाने सुनते हुए जा रहे थे, पहाड़ों को देख रहे थे, बड़ा खूबसूरत सा आसमान था और बहुत कमाल माहौल बना हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भाई नथिया गली पहुंच गए हैं, और यहाँ पर मौसम और फॉरेस्ट बहुत डेंस और खूबसूरत है, और बस माहौल फुल बना हुआ है भाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नथिया गली तो हम खैरियत से पहुंच गए भाई। उसके बाद हमने इर्द गिर्द देखा, माहौल चेक किया, फिर स्लो मोशन भी तो लेना लाजमी है ना। फिर वही तो कह रहा हूँ, पहाड़ चेक करो, बादल कितने खूबसूरत हैं। ओए भाई कैसा लग रहा है यार, बड़ा फिट सीन है ना यार। मुझे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लग रहा है, एबटाबाद से भी ज्यादा ठंड है। ये ज्यादा हाइट पर है, खूबसूरत भी बहुत है यार। यहाँ के पेड़ बड़े खूबसूरत टाइप, कितने लंबे लंबे पेड़ कहते हैं इनको, पाइन ट्रीज। देख इतने ह्यूज पेड़ मैं तो जिंदगी में कभी नहीं देखे, इतने ह्यूज पहाड़ी इलाकों में मोस्टली इतना होते हैं। हाँ इस एरिया में इस तरह ही होते हैं। आप चलो। तो भाई वैसे हम नथिया गली फिरने जा रहे हैं, साथ में इब्राहिम है मेरे साथ, और माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। आगे ऐसे ही हम नथिया गली बाजार में जा रहे हैं, तो लेट्स सी क्या बनता है फिर। पहाड़ पे लिटरली व्यू कैसा लग रहा है यार, चेक कर व्यू पहाड़ पे अभी कैसा लग रहा है, सिक लग रहा है काफी। तो बस ये रोड आप चेक करें कि खास साफ सी, और ऊपर देखे पहाड़ सारा, तो माहौल फुल बना हुआ है भाई। तो ऑब्वियसली पेंडेमिक की वजह से सारी शॉप्स ऑलमोस्ट बंद थी, लेकिन जो इक्का दुक्का शॉप्स खुली हुई थी उसके अंदर हम गए, लेकिन मास्क पहनना तो भाई ज़रूरी है ना, फिर SOPs को भी तो फॉलो करना होता है। तो भाई दोपहर का वक्त हो गया था, हमें लग गई सबसे सिम की भूख, हमने कहा यार चलो रेस्ट हाउस वापस चलते हैं, थोड़ा बहुत खाना छाना खाते हैं और फिर देखी जाके क्या करना है। Thank you.
तो भाई हमने ये लजीज सा खाना खाया, उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर गए, बाहर देखा तो भाई हम तो बादलों के अंदर खड़े हैं, और ये देख के हम खड़े के खड़े ही रह गए। भाई इस तरह का माहौल हो और चाय साथ में ना हो, इस तरह तो मज़ा नहीं आता ना फिर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार हमने खाना छाना खा लिया है और फिर टूर भी लिया है और चाय शाय भी पी ली है, तो अभी बस हम ये बैठ के व्यू एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा मौसम हुआ है, खूबसूरत सा व्यू है इस इलाके की। यार मुझे बड़ी अच्छी बात लगती है कि ना मौसम बड़ा कमाल होता है इधर, कसम से आप बाहर बैठ सकते हो प्रॉपरली, देख सकते हो ताज़ा ताज़ा हवा होती है, लश्यस ग्रीन इलाका है। बाकी जो गर्म इलाके होते हैं ना उधर आप बाहर नहीं बैठ सकते, बड़ा मसला ही है। एनीवेज यार खूबसूरत चेक करें यार, क्या खूबसूरती है। और हाँ ये टोपी ज़रा चेक करने भाई ने लिए। भाई इस तरह के माहौल में एक कप चाय काफी नहीं है, दूसरा कप तो होना ही चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमने अपना दूसरा कप चाय का खत्म किया, फिर कहा कि यार चलो अब एबटाबाद वापस चलते हैं क्योंकि अंधेरे में यार ड्राइव करना इधर सेफ़ नहीं है। एनीवेज तो भाई ये था मेरा व्लॉग, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और दिस वाज माय लास्ट व्लॉग इन एबटाबाद। तो अगर ये एबटाबाद वाली सीरीज़ पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बस यार मुझे बहुत मज़ा आया नॉर्दर्न एरियाज आके अपने कज़न से 2 साल बाद मिल के, और बस इंशाल्लाह फिर मिलेंगे तो फिर से व्लॉग करेंगे। बाकी तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग, और हाँ हंसते रहें मुस्कराते रहें, खुदा हाफिज़।